इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन वाराणसी में 22 से 24 जुलाई को होगा। मुंबई, विश्व के प्राचीनतम शहर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 22 से 24 जुलाई 2023 तक इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो ITCX का आयोजन होने जा रहा है। टेम्पल कनेक्ट इंडिया द्वारा विकसित यह विश्व का पहला आयोजन है जो केवल दुनिया भर में मंदिरों के प्रबंधन के प्रति समर्पित है। इस सम्मेलन में मंदिर पारितंत्र के प्रशासन, प्रबंधन और संचालन के विकास तथा सशक्तिकरण पर फोकस किया जाएगा। सभी को नमस्कार। आज के इस टेंपल कन्वेंशन के प्रेस मीट के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टेंपल कन्वेंशन करने के पीछे के उद्देश्य और करने का कारण, ये दोनों चीज़ें आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक ऐसा माध्यम है जो हम करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो लोगों तक बताने के आँख कान आप लोग हो, इसलिए आप आज यहां पर आमंत्रित किया गया है। जैसे गिरीश ने कहा कि मंदिर टेम्पल कन्वेंशन क्यों, मंदिर टेम्पल कन्वेंशन वाराणसी में ही क्यों, और मंदिर टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का राज क्या है, शायद आपके लोगों के मन में भी वो क्वेश्चन होगा। लेकिन ये तीन चार चीज़ों को मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्टता से आपके सामने लेकर जाना चाहता हूँ। ये मंदिर टेम्पल कन्वेंशन 22, 23 और 24 जुलाई को वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी क्यों, तो वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर इतिहासों में ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी नगरी का जो उगम हुआ, इस दुनिया में पहली ऐसी नगरी बनी जो वाराणसी थी, जहाँ पर महादेव जी का उगम है, जहाँ पर गंगा माँ का उगम है, जहाँ पर महाकाल का दर्शन है, और एक पवित्र नगरी के नाम से इस पूरी दुनिया में अगर पवित्र नगरी कौन सी है तो वाराणसी को जाना जाता है। और सोमवार से शुरू हुआ या पिछले सोमवार से हिंदी कैलेंडर से शुरू हुए अधिक श्रावण मास का भी एक कारण इस वाराणसी नगरी में कार्यक्रम करने का है। इस मंदिर सम्मेलन में जो भी मंदिर टेम्पल के लोग आएंगे, उन्हें वहाँ पर वाराणसी के महाकाल के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे, गंगा की आरती होगी और श्रावण मास में एक अलग अनुभव भी उन्हें वहाँ पर मिलने वाला है, और आप सभी लोग वहाँ पर इन्वाइट भी है। यह टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का कारण ये है कि 22, 23 और 24 को तीन दिन के इस कन्वेंशन में पूरे दुनिया के 25 से भी ज़्यादा देशों से, जैसे गिरीश जी ने कहा कि 35 देश वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 25 से भी ज़्यादा देशों के मंदिर के न्यास के लोग, जैसे कोई चेयरमैन या CEO होगा या चेयरमैन सेक्रेटरी होगा या CEO या पुजारी या मंदिर का ट्रस्टी होगा, ऐसे हर टेम्पल से दो लोग इस पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, जिसमें पूरी अगर हम आपको बताएंगे तो लगभग 488 इंटरनेशनल टेम्पल लोकेशन के टेम्पल यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और हिंदुस्तान के लगभग 865 टेम्पल इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। 1250-1300 से भी अधिक लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑलरेडी किया हुआ है, और फिजिकली वहाँ पर हम लोग 716 टेम्पल को इनवाइट किए हैं। ऐसे नहीं कि 1200 को कर नहीं सकते थे, लेकिन पूरी वाराणसी की व्यवस्था देखते हुए इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से, टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था, रुद्र कन्वेंशन में बैठने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक की सारी व्यवस्था इस टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से की गई है, और इसमें बैठने की क्षमता लगभग 1500 जन की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है। इसके लिए 716 टेम्पल को डायरेक्ट इनवाइट किया गया है और लगभग 600 टेम्पल्स इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए 22 तारीख को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे,
और 10 दिन के 10 सेमिनार में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे कि आप सभी के मन में भी होगा और कई लोगों के मन में है कि टेंपल कन्वेंशन क्यों, तो इसमें भक्ति का भाव तो पक्का है, श्रद्धा का भाव तो पक्का है, लेकिन उसके अलावा भी मंदिरों के कई विषय होते हैं जिस विषयों को हमें लोगों तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि टेंपल सेफ्टी की बात आई तो फिजिकल सिक्योरिटी की बात आती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की बात आती है, आईटी सिक्योरिटी की, कैमरा की, सीसीटीवी की, बैरियर्स की, सभी की बात आती है। तो जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जो व्यवस्था की है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज लोग आकर सेमिनार में बात करेंगे। अगर तिरुपति टेम्पल के प्रमुख वहाँ पर उनकी व्यवस्था सिक्योरिटी की कैसे उस बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लोग भी उसमें उस सेमिनार में भाग लेकर, मुंबई के सिद्धिविनायक हो या शिरडी हो, वो लोग भी उसमें सिक्योरिटी की उनकी व्यवस्था कैसी है और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, उसमें वो लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर कर अपने मंदिर को सिक्योरिटाइज कैसा किया जाए। आज के समाज में, आज के समय में हर मंदिर को कहीं ना कहीं से तो थ्रेट्स है, उस थ्रेट्स को लंबा कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेमिनार में होगी। दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा फंड मैनेजमेंट का। तो फंड मैनेजमेंट के माध्यम से, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारे करोड़ों रुपए आते हमारी भावना के पैसे होते, मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूँगा तो इसे पूरे C2C मॉडल से हमें लोगों के सामने रखना है। तो C2C मॉडल क्या होगा, तो कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक कैसे पहुंचे। तो कॉमन मैन जो हम भक्ति भाव से कोई मंदिर में जाते हैं, गणपति बापा के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बुद्धिज्म के टेंपल में जाते हैं या जैन टेंपल में जाते हैं, स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं या महादेव का दर्शन लेने जाते हैं या लक्ष्मी माता का दर्शन लेने जाते हैं, हम हमारे पॉकेट से 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, लोग करोड़ों रुपये तक भाव से उस दान पेटी में या रिसीट से डालते हैं। अब ये पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ थॉट्स हम लोग वहाँ पर डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में ट्रस्टी था, जैसे मेघा ने कहा कि उस समय 4 साल में हमने बहुत सारी सिस्टम सिद्धिविनायक टेम्पल में लगाई, जैसे कि 30% का फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगाया जाएगा और 70% का फंड लोगों के लिए C2C मॉडल से दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धिविनायक टेम्पल या शिरडी टेम्पल या तिरुपति टेम्पल ही वो करना चाहिए, तो 100% नहीं, फिर उसमें स्वामीनारायण टेम्पल हो, हरिनाम हरे कृष्णा हो, बुद्धिज्म के टेम्पल हो, हमारे गुरुद्वाराज हो या हमारे मंदिर हो, इस सब माध्यम से जैसे उस समय पर हमने 70% पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, तो उसमें हमने मेडिकल स्कीम लाई, 25,000 रुपये आए हुए हर आदमी को 25,000 रुपये का चेक उसके हॉस्पिटल को मंदिर के माध्यम से दिया जाता है। शिरडी में भी वही व्यवस्था सिद्धिविनायक के बाद शुरू हुई, तिरुपति में भी वही व्यवस्था शुरू हुई, महाल अंबाबाई में भी शुरू हुई और कई टेम्पल उसको अभी करते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई जात धर्म पंथ नहीं होता, उस मंदिर में आने वाला हर कोई, जिसे हम लोग नीडेड पीपल कह सकते हैं, जिसे ज़रूरत है और ज़रूरतमंद इंसान, वो कोई धर्म पंथ का जात का हो। एक एज एन एग्जाम्पल, मैं जब सिद्धिविनायक में था तो वहाँ पर मुस्लिम महिलाएँ भी मदद मांगने आती थी, तो वहाँ पर आज भी बुरखा पहन कर आई हुई मुस्लिम महिला हो या मुसलमान आदमी हो, वो अगर मदद मांगता है तो मंदिर ट्रस्ट से कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक जाने का जो प्रयास होता है, वो एक उत्तम उदाहरण इसमें है। दूसरा एक बुक बैंक का उदाहरण है, जैसे कि इस पैसे से अगर हम लोग अगर कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए मदद कर सकते हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान में हजारों मंदिर है, अगर हर बड़े मंदिर एक प्रयास करकर एक प्लेटफॉर्म पर डिसीजन लेकर हर गांव में, हर राज्य के हर गांव में चलने वाले छोटे स्कूलों के लिए क्या हम बुक बैंक के माध्यम से मदद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के माध्यम से उन्हें कोई व्यवस्था दे सकते हैं क्या, बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं क्या, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं क्या? अगर ये कोई करता है, जैसे कि सिद्धिविनायक में जब हमने शुरुआत की थी तो 3,000 बुक बैंक से शुरू हुआ था जो बैंक बुक की, वो आज लाखों लोग महाराष्ट्र में उसको यूज़ कर रहे हैं, 11 लाख से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 11 लाख से भी ज़्यादा लोग बच्चे बुक बैंक के माध्यम से शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। रूरल एरियाज में स्कूल बनाना, बड़े छोटे स्कूल्स को मदद करना, उनकी छोटी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करना,
और तीसरी और बहुत ही चौथी बड़ी बात, जैसे कि कहीं भी पूरे दुनिया में देश में अगर डिजास्टर हो जाता है, जैसे कच्छ में भूकंप हुआ था, लातूर में भूकंप हुआ था 26/7 के टाइम, 26 जुलाई के टाइम, आपने भी मुंबई में देखा होगा बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस समय पे सिद्धिविनायक टेम्पल की तरफ से 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का निधि दिया गया था। तो क्या हम सब मंदिर अगर एक होकर ये एक प्लेटफॉर्म पे डिसीजन ले कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर समय आता है तो क्या हम उसमें सब मंदिर मिलकर मदद कर सकते हैं क्या? सरकार का तो काम है, सरकार करती है और करती रहेगी, लेकिन एक हमारे भाव से हमारा एक सर्वसामान्य हमारा भाई अगर कोई तकलीफ में आता है, भगवान करे कि वो ना हो, तो उस व्यवस्था में हम मंदिर की तरफ से कहीं मदद कर सकते हैं क्या? उसके बारे में भी बातचीत वहाँ पर होगी। सेकेंडली फंड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें टैक्सेशंस का बहुत बड़ा इशू आता है। चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्सेस को कैसे लगाया जाए, कौन से चीज़ को GST लगाया जाए, कौन से चीज़ को GST नहीं लगाया जाए, कौन से चीज़ों को टैक्स कितना परसेंट हो। चैरिटेबल ट्रस्ट होने के कारण चैरिटी कमिश्नर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। हर स्टेट में चैरिटी कमिश्नर के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग बातें होती है। क्या हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बात कर चैरिटेबल ट्रस्ट या टेम्पल या कोई भी धर्म के अगर मंदिर या समाज के चीज़ों हो उसको हम किस तरीके से देख पाएंगे और किस तरीके से मदद कर पाएंगे, ये भी एक प्रयास होगा। दूसरा, इंटरनेशनल फंड जब मंदिरों को आता है तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो अगर हम लोग इंटरनेशनल फंड वहाँ पर लेना चाहते हो तो उससे हमें कैसे किस तरीके की मदद होगी, इस बारे में भी इसमें 100% सेमिनार में बात होगी। तीसरी और चौथी चीज़ होगी जिसमें सैनिटाइजेशन और हाइजीन की बात होगी। हम मंदिरों में जाते हैं, एक अच्छी भाव के साथ जाते हैं मंदिरों में जाते हैं, भक्ति के साथ जाते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा कि कहीं भी टेम्पल हो एक अच्छे से अच्छा वो सोई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन के माध्यम से, हाइजीन के माध्यम से हम वहाँ पर कोई अच्छी बात कर सकते हैं क्या? एक दूसरे के साथ एक दूसरे के थॉट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? ये भी बात वहाँ पर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2006-07 में जब सिद्धिविनायक टेम्पल को थ्रेट्स आए थे तब लोगों को नारियल अंदर ले जाने के लिए बंदी कर दी थी। अब बहुत सारे मंदिरों में नारियल अंदर ले जाने नहीं देते, भगवान के फूल चढ़ाते हैं, उसे हम निर्माल्य कलश में डालते हैं, नदी में बहाते हैं, पानी में बहाते हैं, समुंदर में डालते हैं, फिर हम लोग नेचर के साथ खेलते हैं, समुंदर को या नदी को खराब करने का काम करते हैं। क्या उस नार्मल्य को लेकर हम उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं क्या? एक प्रयास हमने किया था और गणेश नार्मल्य के नाम से, गणेश फर्टिलाइजर के नाम से हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जिसमें से लाखों रुपए का इनकम मंदिर ट्रस्ट को होने लगा। क्या ये सारे दुनिया के मंदिर अगर वो कर पाए तो हमें फर्टिलाइजर भी मिलेगा, हमारा नेचर भी कवर होगा, नेचर क्रिएट होगा, समुंदर में नदी में जाने वाला कचरा बहने से रुक जाएगा। और माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रयास है, स्वच्छता का प्रयास है, उस स्वच्छता के प्रयास को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस माध्यम से कर पाएंगे, ये कोशिश और ये प्रयास होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नारियल हम रखते थे, नारियल को आधा तोड़ते थे क्योंकि मंदिर में नारियल ले जाने के लिए सिक्योरिटी अलाउ नहीं करती थी, तो आधा नारियल भक्त लेके जाता था, बचे हुए आधे नारियल से हम लोग नारियल की वड़ी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में देते थे। आज उसमें से इनकम शुरू हो गई। हमने तिरुपति टेम्पल से बात की, वो लाड़ू बनाकर कैसे बनाते हैं, तो लाड़ू का इनकम चालू हो गया, लोगों को भक्ति भाव से प्रसाद मिलना शुरू हो गया, हमारी नारियल वड़ी देखकर शिरडी ने और कई अलग मंदिरों ने शुरू की। तो ये एक अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ से अलग अलग लोग पूरी देश में दुनिया से आकर एक दूसरे के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी और चौथी चीज़ है क्राउड मैनेजमेंट। जैसे कि अंगारिका चतुर्थी हो गई, गुरु पूर्णिमा हो गई, तिरुपति में तिरुवरम में अलग कोई फेस्टिवल है, गुरु नानक जी का बर्थ एनिवर्सरी है, कई जगह पर क्राउड मैनेजमेंट का इशू होता है। मैं आपको एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देना चाहूँगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अब पिछले ही महीने में आषाढ़ी एकादशी हुई, लाखों लोग भक्ति भाव से आषाढ़ी में विठू राय का दर्शन लेने जाते हैं। विठू रुकुमाई का दर्शन लेने के लिए 100-200, 200-300 किलोमीटर लोग चलकर पैदल आते हैं और आने के साथ ही एक साथ 10-20 लाख लोग एक भीड़ में एक साथ में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम नहीं करती। 100% सरकार मदद करती है, लेकिन वहाँ पर भक्ति भाव से आया हुआ हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अपने भाव से वहाँ पर काम करता है कि मैं भगवान के दर्शन लेने आया हूँ, मैं मेरे विठू राय के दर्शन लेने आया हूँ, मुझे यहाँ पर सबको एक दूसरे को संभालना है। तो वो मैनेजमेंट कैसी होती है, कौन से भाव से होती है, उसके बारे में चर्चा वहाँ पर होगी। लालबाग के राजा का
गणपति की मिरौनुक निकलती है, करोड़ों लोग लाखों लोग उधर रास्ते में खड़े होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से 12 14 18 घंटे के बाद गणपति बापा का विसर्जन होता है। क्या ये वो क्राउड मैनेजमेंट को हम दिखा पाएंगे क्या? ये कोशिश हो कि दुनिया के सभी मंदिरों में, जैसे कि कई जगह पर हमने देखा होगा कि कई जगह पर स्टैम्पेड होकर कई जगह पर बहुत लोगों की, भक्तों की मृत्यु भी हुई थी, और हमारा ये प्रयास होगा कि क्राउड मैनेजमेंट किस किस तरह से अच्छी तरीके से किया जाए इस बारे में भी बात होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने बात की, अब बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज आपने देखा होगा कि दुनिया भर से कई मंदिरों का निर्माण माननीय मोदी जी की सरकार पिछले 9 साल में कर रही है। पर राम मंदिर हमारा जो सपना था, वो 500 साल के सपने के बाद राम मंदिर बन रहा है। उज्जैन का मंदिर हो गया, हमारे उत्तराखंड के सारे मंदिरों का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो गया, काशी विश्वेश्वर का विकास हो गया, और उसके अलावा भी माननीय गडकरी जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से सारे मंदिरों को, हिंदुस्तान के सारे मंदिरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से, रस्तों से, कॉरिडोर से कनेक्ट करने का काम हो रहा है। क्या हम बाकी के सारे मंदिरों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं क्या? हम सरकार से विनती कर सकते हैं क्या कि जैसे तुलजापुर भवानी का मंदिर है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, शिरडी के साई बाबा के मंदिर का इतिहास है, और महाराष्ट्र के कोई बात होगी, हम लोग अगर आसाम में जाएंगे तो गुवाहाटी में वहाँ पर माता का मंदिर है, नौ पीठ है, नौ लिंग है, ये सारे चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के साथ थॉट प्रोसेस एक्सचेंज कर कर हम एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे कहा जाता है कि तिरुपति में दर्शन लेने के बाद महाराष्ट्र में महालक्ष्मी माता का जब तक दर्शन नहीं लेते तब तक दर्शन पूरा नहीं होता, तो क्या हम तिरुपति से लेके महालक्ष्मी तक एयर सर्विसेस शुरू हुई है लेकिन रोड सर्विस शुरू कर सकते हैं क्या? हम हमारे बाबा को मिलने के बाद हमारी माता को मिलने के लिए आने के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है क्या? और ये प्रयास इस माध्यम से, इस चर्चा से अगर एक प्लेटफॉर्म होगा तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जाएगा, और सरकार के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण के साथ, जिसके भक्ति भाव के साथ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और वो एक बहुत बड़ा प्रयत्न इसमें करने का हमारा प्रयास है। जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि स्वामीनारायण टेम्पल का जब निर्माण होता है तो बहुत ही भव्य दिव्य से होता है, एक प्लानिंग से होता है। क्या हमारे जो हजारों साल पुराने टेम्पल है, जिसका इतिहास हजारों सालों का है, जिसकी कहानी हजारों सालों की है, क्या इस कहानी को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, एक आध पोर्टल के माध्यम से ला सकते हैं क्या? जैसे कि कोई एक गांव में एक छोटा मंदिर है लेकिन वो मंदिर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर हम लोग जा नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अभी कर्नाटक के चुनाव में था तो कर्नाटक के गदर गांव के एक बड़े गांव के अंदर, जहां पर कोई सिख धर्मीय रहते नहीं, वहां पर एक छोटा गुरुद्वारा था, और वहां पर बंजारा समाज के लोग गुरुद्वारे का काम करते हैं, तो एक अनोखा उदाहरण वहां पर था। तो ऐसे कई उदाहरण इस देश में होंगे जिसको हम लोग एक टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा कि जूने टेम्पल है, आर्कोलॉजी के माध्यम से आर्कोलॉजी एक्सपर्ट्स की उसमें बात की जाएगी, उनका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जूने मंदिरों को आर्कोलॉजी और यूनेस्को के माध्यम से अब हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन उसे डेवलप करना होगा तो किस तरीके से डेवलप करना होगा, उसके लिए सरकार की मदद कैसे होगी, लोगों की मदद कैसे होगी, मंदिरों का पैसा मंदिरों के निर्माण के लिए काम आएगा क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बात होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, और एक बहुत ही भक्ति भाव के माध्यम से इसे लाना चाहते हैं। कई लोग इसमें कहेंगे कि इसमें हिंदुत्व की बात आएगी, कई लोग कहेंगे कि इसमें धर्म की बात आएगी। मेरा एक ही इसमें कहना है कि जब भी धर्म की बात आएगी तो समाज और धर्म को अगर हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तो समाज और धर्म जब एक मिलता है तो एक अच्छा रिजल्ट हमेशा सामने आया है, और ये कोशिश हमारी होगी कि इस कन्वेंशन के माध्यम से हम पूरी तरह से इस सारे मंदिर को एक करें, इस सारे मंदिर को एक करके उनके विषय को, उनके चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे लाए, और ये सारे सिर्फ हिंदुस्तान के मंदिर नहीं तो देश से आने वाले 25 से भी ज़्यादा कंट्रियों के मंदिर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए माननीय परम पूज्य मोहन भागवत जी तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी आ रहे हैं, गवर्नर ऑफ तेलंगाना लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पौंडीचेरी सौंदर्या जी आ रही है,
गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन काउंटी जी आ रहे हैं और कई ऐसे पार्टिसिपेंट इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो इस विषय को एक्सपर्ट्स करके करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स कर बात करना चाहते हैं। मंदिर न्यास के सभी ट्रस्टीज विश्वस्त इसमें आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा यूनिक आइडिया के साथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन ये होगा। हिंदुस्तान में ये पहली बार, पूरे दुनिया में ये पहली बार किया जा रहा है और मुझे उसे बोलने में बहुत ही फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस टेम्पल कन्वेंशन को अंत्योदय प्रतिष्ठान, जो जिसकी अध्यक्षा मेरी पत्नी नीता लाड़ है, जिसका सेक्रेटरी मैं खुद हूँ, एक चैरिटेबल माध्यम से इसे करने का मेरा प्रयास है। टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से श्री गिरीश कुलकर्णी जी और उनकी पूरी टीम इस कन्वेंशन को बहुत ही सहजता से, योग्यता से सक्सेसफुली ड्राइव करेंगे और आने वाले समय में ये सारे मंदिरों का दिसंबर महीने तक पूरा इतिहास, उनका भूगोल, ये मंदिर कैसे बना, क्यों बना, मंदिर की मूर्ति कहाँ से आई, उसका रूट मैप क्या होगा, मंदिर की एक्सपर्टीज क्या है, मंदिर क्या करना चाहता है, इस बारे में एक भविष्य में एक कॉफी टेबल बुक भी बनाया जाएगा, ई कॉफी टेबल बुक भी बनाया जाएगा और लोगों के सामने वो रखा जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो यू आर वेलकम। थैंक यू। देखिए, ड्रेस कोड के बारे में मुझे ऐसे लगता है कि हर संस्था अपना अपना निर्णय लेती, हर संस्था को अपना अपना निर्णय लेने का अधिकार भी है, लेकिन एक चीज़ मैं एक हिंदू धर्म का भक्त होने के नाते कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, अब जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो एक भाव के साथ जाते, एक विश्वास के साथ जाते और भगवान के पास हर कोई जाता है। वो भगवान के पास जाके कभी कोई गलत चीज़ नहीं बोलता कि इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, कहता है कि मेरा भी भला हो और दुनिया का भी भला हो। एक अच्छी भाव से, अच्छी भावना से हम मंदिर में जाते हैं तो उन लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि हम भगवान के दरबार में कैसा जाए। उस बारे में हम कुछ बोलने के लिए मुझे नहीं लगता वो उचित होगा। मुंबा देवी टेम्पल है, सिद्धिविनायक टेम्पल है, महाराष्ट्र से 90 टेम्पल पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ से लगभग 78 टेम्पल्स आ रहे हैं, नॉर्थ से भी लगभग 36 टेम्पल्स, 36 से भी ज़्यादा टेम्पल आ रहे हैं और नॉर्थ से भी लगभग 150-200 टेम्पल्स आ रहे हैं। ऐसे काफ़ी पूरे मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के 865 टेम्पल केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक और जम्मू कश्मीर से लेकर आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट तक कही है, या पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, बैंकॉक से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, तो कई टेम्पल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। धन्यवाद। और कुछ मराठी मध्ये सगळं बोलू पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से हमें इसे सपोर्ट दिया गया है और हमने सभी सरकारों को लिखा था कि उनके कल्चरल और टूरिज्म के माध्यम से कहीं ना कहीं तो प्रावधान होता है उनके राज्य के मंदिरों को, संस्कृति को आगे ले जाने का, तो उसमें कहीं सरकार मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन से हो रहा है। कहीं लोग अपने आप से, भाव से इसमें मदद कर रहे हैं और एक भावना है कि एक हिंदुओं का या हिंदू कल्चर को मानने वालों का एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें लोग पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। याच्यामध्ये फार मोठा खर्च अपेक्षित नाही आहे, पण टी व्ही समोर तुम्हाला खाजगीत मी सांगतो किती खर्च अपेक्षित आहे, ते टी व्ही समोर असा खर्च बोलणं योग्य नाही, पण येणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं जेवण, भोजन, राहणं आणि तिकडची व्यवस्था, पूजा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी टेम्पल कन्व्हेन्शनच्या माध्यमातून केल्या गेल्या आहेत आणि मला वाटतं की एक चांगला, अतिशय उत्तम आणि भावनिक हा कार्यक्रम होईल। लाड सर, ये प्रोग्राम आपने जिस तरह बना रहे हो, फ्यूचर में कुछ मंदिरों को फंडिंग करने का कुछ व्यवस्था होगी कि क्या? मैंने वही कहा था, मेरे वाक्य में आपने सुना नहीं होगा शायद, मैंने कहा था कि बड़े मंदिरों के माध्यम से छोटे मंदिरों का निर्माण करने के लिए मदद करने का प्रावधान करने की चर्चा भी इस मंदिर कन्वेंशन में होगी। हंड्रेड परसेंट ये एक प्रयास होगा हर साल करने का। अभी ही हमें आसाम से
या नॉर्थ ईस्ट से कई मंदिरों से इस बारे में पूछा गया है कि क्या अगले साल हम आसाम कर सकेंगे या उड़ीसा कर सकेंगे, जैसे जगन्नाथ टेम्पल भी इसमें पार्टिसिपेशन है। और इसमें हमें हैदराबाद से भी मैसेज आया हुआ है कि हम लोग ये हैदराबाद कर सकेंगे। शायद मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में, क्योंकि जैसे गिरीश ने कहा कि एक प्रयास है, और ये प्रयास कौन शुरू करेगा, तो ये शुरुआत हमने की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये प्रयास बहुत बड़ा होगा और ये और बड़े पैमाने पे चला जाए, ये मेरी कामना है। और इसे और लोग जुड़ेंगे तो और लोगों को जुड़ाकर उनके साथ भी करने की ये हमारा प्रयत्न होगा। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? सो speaking, when we are talking about sustainability, there are multiple aspects. One is about seeing to it that there is less amount of pollution. If there is existing pollution from any aspect, that has been taken care of. We also look at the green energy aspect, where we are trying to get solar systems incorporated, where spends which temples are doing from the electricity point of view, from other elements point of view, as we can reduce them by new age technology. What is extremely important is that yahan pe, when we meet people here, who are topic specialists on various topics, when they meet up, there is a huge amount of discussion. When we were kids, there was nothing called as a WhatsApp or a mobile phone. Technology has evolved. So the evolved technology needs to be updated to the temple management also. This is a place where they would be interfacing with each other, understanding what are the new age aspects, how it can be utilized in the right way. At the same time, how through CSR and other initiatives, those donations and those initiatives can be done. Most important of this entire scenario as an extension, the word administration, management and operations altogether for better convenience of the common man or the devotee who comes to the temple is the larger cause. A CCTV camera usually in a temple or a gurudwara does not define whether he is from a Sikh background or a Hindu background, but does the job of seeing to it that the management is being done in the right way. Similarly, when you talk about water sanitization, hygiene, public toilet systems for senior citizens and families and ladies members, where it's away from the temple ecosystem, so convenience is always compromised. All these aspects, though, also the word of convenience is important for the pilgrim and the devotee. That is what we would be discussing at a larger level. Yeah, thank you. So to answer your first question, apparently we are speaking to a lot of management schools in India as well as internationally. There are people coming forward to give us their insights, their students, their professors and their guidances for improvising things and contributing it, because it's a cause for a common man. Now, the second side of the story is that we are more specialized towards things related to Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. Once we complete about whatever 20-30 lakh temples that we have in the list that we want to complete, then maybe we'll look for going for other religious elements. Let us complete what we have on the platter first. Thank you very much. आंतरराष्ट्रीय मंदिर संमेलन हे 22-23-24 रोजी वाराणसीमध्ये केलं जातं आहे, ज्यामध्ये जगभरातून जवळजवळ 1,250 मंदिरं येत आहेत, 25 देशातून मंदिरं येत आहेत, 350 आंतरराष्ट्रीय मंदिरं व 865 भारतीय मंदिरांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे। परमपूज्य मोहन भागवतजी याचं 22 तारखेला सकाळी 10 वाजता उद्घाटन करतायत। बिहारचे राज्यपाल तिकडे असतील, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असतील, आणि अतिशय वेगळा आगळा त्याचा हा प्रयत्न आमचा राहील। यामध्ये 100% मंदिर व्यवस्थापन असेल, मंदिराचं ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, मंदिराची सिक्युरिटी असेल, मंदिराचं फंड मॅनेजमेंट असेल, चॅरिटेबल ट्रस्टचे इश्यू असतील, टॅक्सेशन्स असतील आणि सॅनिटायझेशन असेल, स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून असेल, मंदिरातून C2C म्हणजे कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत कसा जाईल, लंगर मॅनेजमेंट असेल, क्राऊड मॅनेजमेंट असेल, डिझास्टर मॅनेजमेंट असेल, या सर्व विषयावरती 3 दिवस याची चर्चा होईल। वेगवेगळे एक्सपर्ट्स त्यामध्ये चर्चा करतील। या व्यतिरिक्त प्रत्येक मंदिर व्यवस्थापनाचं, जसं तिरुपतीची काय एक्सपर्टी आहे तर ते तिरुपतीची लोकं त्यामध्ये सांगतील, गोल्डन टेम्पलची काय एक्सपर्टी आहे गोल्डन टेम्पलचे सांगतील, स्वामीनारायणची काय एक्सपर्टी आहे स्वामीनारायण सांगेल, सिद्धिविनायकची काय एक्सपर्टी आहे सिद्धिविनायक सांगेल, आणि त्यामध्ये सर्व विषयाचा उहापोह करून ह्या सर्वांना एकत्र एका प्लॅटफॉर्मवर आणून
डेटा मैनेजमेंट झाली आणि मंदिर कनेक्टिविटी झाली याच्यामध्ये हा प्रयत्न आमचा राहील. नाही यामध्ये निश्चितपणे मंदिर आहेत, गुरुद्वारा आहेत, जैन मंदिर आहेत, हरेराम हरेकृष्ण मंदिर आहेत, बुद्ध मंदिर आहेत, बुद्ध मंदिर आहेत. अशा प्रकारे भारतामधनं जवळजवळ आमच्याकडे आतापर्यंत पूर्ण जगभरातून 1250 रजिस्ट्रेशन झाली आहेत. आणि वाराणसीमधल्या रुद्र कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये 746 लोकं जवळजवळ फिजिकली पार्टिसिपेट करणारे, एका मंदिरातून 2 लोक आणि 550 लोक ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून 3 दिवस या सेमिनारला अटेंड करणार आहेत. यामध्ये अनेक मंदिरांकडे खूप पैसा आहे, तर काही मंदिरांकडे रोजची जी पूजा करण्यासाठी व्यवस्था लागते तीसुद्धा करण्याची क्षमता नसते, तर अशा मंदिरांसाठी या मंदिरांकडनं किंवा तुमच्या माध्यमातून काय? म्हणूनच आमचा हा प्रयत्न राहील की कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत गेला पाहिजे, मंदिराचा पैसा मंदिराच्या विकासासाठी गेला पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या राज्यातल्या मोठ्या मंदिरांनी छोट्या मंदिराला मदत करण्याची जर भावना धारणा धरली तर निश्चितपणे धर्म वाढेल, संस्कृती वाढेल, आणि धर्मसंस्कृती ज्या वेळेला एकत्रपणे वाढते त्यावेळेला मला वाटतं देशाचा विकास हा निश्चितपणे होतो. या मंदिराच्या माध्यमातूनच शैक्षणिक असेल किंवा आरोग्यविषयक असेल असे काही प्रश्न सोडवणार आहात? निश्चितपणे. मी जेव्हा सिद्धिविनायक नासावरती ट्रस्टी होतो त्यावेळेला आम्ही हा प्रयत्न केला, ज्या माध्यमातून मेडिकल हेल्पच्या माध्यमातून 25,000 रुपयापर्यंतची मदत आम्ही सिद्धिविनायकनी सुरू केली, त्यानंतर बऱ्याचशा देशभरातल्या मंदिरांनी सुरू केली. शिक्षणाच्या माध्यमातून आम्ही बुक बँक सुरू केली, जी 3,000 लोकांची बुक बँक होती. या राज्यामध्ये 11 लाख विद्यार्थी बुक बँकेचा वेगवेगळ्या मंदिर न्यासांच्या माध्यमातून फायदा घेत आहेत. छोट्या मोठ्या शाळांना शैक्षणिक साहित्यासाठी, शैक्षणिक डेव्हलपमेंटसाठी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी मदत करण्याचा विषय आहे. या व्यतिरिक्त डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये एखाद्या ठिकाणी एखादा भूकंप झाला, पूर आला, अशा वेळेला मंदिर न्यासांनी मदत सर्व मिळाली करावी. आणि मला वाटतं की देशभराच्या एवढ्या हजारो मंदिरांमधनं 1 करोड रुपयाचा निधी होतो, त्याचा जर तो जर निधी या देशाच्या विकासाच्या आणि एखाद्या गोष्टीसाठी जर लागला तर सरकार आपलं काम करते. पण जो मी वारंवार शब्द वापरतो आहे C2C, कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत पोचण्याचा एक प्रयत्न राहील, लंगर सुरू करण्याबाबतीतला एक प्रयत्न राहील, जेणेकरून कोण भूकं राहणार नाही, कारण लोकांनी दिलेल्या पैशातून देवाच्या भक्तीचं जेवण लोकांना देण्याचं काम केलं जाईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न राहील.